हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रीमी पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ मैं इसे कहूँगी हटके पनीर, क्योंकि ये काफ़ी अलग तरह से बनता है एंड ये बहुत टेस्टी भी होता है और इसकी ग्रेवी भी काफ़ी थिक होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने लिए है 1 sliced अनियन एंड 1 sliced कैप्सिकम। ये मैंने 10-15 कैश्यूज लिए हैं और उसमें 1/2 कप मिल्क डाला है। इसका हम मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ मैंने 5 टोमेटोज लिए हैं एंड 4-5 ग्रीन चिलीज लिए हैं, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके टोमेटो प्यूरी बना ली है एंड कैश्यू पेस्ट बना लिया है। ये मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है एंड देन हम अनियन डाल देंगे। कैप्सिकम इसको कुक कर लेंगे। बहुत ज्यादा कुक नहीं करना, थोड़ा ही करना है। 4-5 मिनट कुक कर लेंगे इसको हम। ये मैंने 4-5 मिनट इसको कुक कर लिया है। नाउ आई एम एडिंग 1 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको हिला लेंगे अच्छे से। एंड देन इसको मैं अलग बाउल में डाल के रख दूंगी। ये मैंने सेम कढ़ाई में ऑयल डाला है, देन 1 teaspoon जीरा। अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद अब हम सारे मसाले डाल देंगे। तो इसमें मैंने लिया है 1/2 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/4 teaspoon रेड चिली एंड गरम मसाला एंड सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये मैं सारे मसाले अब इसमें डाल दूंगी एंड अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। तो ये मसाला इसको मैंने अच्छे से हिला दिया है। तो अब मैं इसमें कैश्यू पेस्ट जो हमने बनाई थी, अब मैं इसमें वो डाल रही हूँ, कैश्यू पेस्ट। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे। इसको थोड़ा सा हिला के अब हम इसमें कैप्सिकम और अनियन डाल देंगे जो हमने पहले कुक किए थे। इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। इसको मैंने 3-4 मिनट पका लिया है। अब मैं इसमें 1/2 cup वाटर डाल दूंगी। इसमें ज़्यादा वाटर नहीं डालना, क्योंकि ये हमारा क्रीमी पनीर है तो इसकी ग्रेवी हम थिक रखेंगे। इसको भी 1-2 मिनट पका के अब मैं इसमें फिर मलाई डालूंगी। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई डालेंगे। एंड देन ये मैंने 200 ग्राम्स पनीर लिया है, पनीर भी साथ ही हम इसको डाल देंगे। इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम इसमें 1/2 teaspoon कसूरी मेथी डाल देंगे। इसको अच्छे से पकाएंगे। अब हम इसको 2-3 मिनट सिम पे रख देंगे एंड देन गैस बंद कर देंगे। तो ये हमारा क्रीमी पनीर रेडी है। इसे मैंने धनिया से गार्निश भी कर लिया है। इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। आई होप यू विल लाइक इट।